Good morning to all of you. So friends, today we are going to discuss hormonal coordination. In hormonal coordination, up till right now we have discussed thyroid gland, pituitary gland. Yesterday what we have discussed about thyroid gland is located at the anterior part of our neck, below larynx. Thyroid gland consists of follicular lobes, and in between follicles there are special types of cells called as parafollicular cells along with blood vessels. Thyroid gland is a bilobed gland. It consists of two lobes which are connected to each other by non-secreting connective cells called as isthmus. If we take transverse section of thyroid gland, then it will show follicular cells. Follicular cells secrete two main hormones of the thyroid gland, T3 and T4. T3 means triiodothyronine, T4 is tetraiodothyronine. Tetraiodothyronine is the main hormone, which is called as thyroxine hormone. Thyroxine hormone mainly works on all aspects of the body processes by maintaining BMR rate. BMR rate means basal metabolic rate. Basal metabolic rate is the minimum energy required for any process to be happen in the body. If there is a deficiency of iodine in our body, then thyroxine will become deficient. That will lead to cretinism in infant and anybody. Along with cretinism, deficiency, less IQ, BMR rate decrease hoga, lack of menstrual cycle in adult woman, mein stunted growth, that is a cretinism sign, then low BP, then mental retardness. That is another example is simple goiter. Adults में अगर goiter, simple goiter में क्या होगा, गला सूज जाएगा. Thyroid gland में अगर iodine deficiency हमारे body में iodine deficiency है, तो follicular cells में inflammation होगा, thyroid gland swell होगी. इतना clear हो गया. अगर hyperthyroidism है, हमने अभी hypothyroidism देखा. Hyperthyroidism में क्या था, acromegaly था, बराबर है क्या, और Graves disease, एक्सोथैलेमिक गोइटर, प्रोट्रूडिंग आईज, बराबर है क्या. ये हो गया थायराइड ग्लैंड के T3 और T4 हार्मोन का हमने स्टडी किया था. इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पैरा फॉलिकुलर सेल में से निकलने वाला कैल्सिटोनिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, बराबर है क्या. अलॉन्ग विथ पैराथायरॉयड ग्लैंड, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन बोथ अलॉन्ग विथ ईच अदर मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल. तो कैल्सिटोनिन जो है ये हाइपोकैलेसेमिक फैक्टर है या हाइपरकैलेसेमिक फैक्टर है, हमने देखा था. कैल्सिटोनिन हाइपोकैलेसेमिक फैक्टर है या हाइपर, हाइपो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड. हाउ इट इज हाइपो, सर कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम बढ़ाएगा या कम करेगा, अगर बढ़ाएगा तो हाइपर हो जाएगा, कम करेगा तो हाइपो होगा ना. तो एग्जैक्ट क्या, कैल्सिटोनिन इज हाइपोकैलेसेमिक फैक्टर और हाइपरकैलेसेमिक फैक्टर. वैसे ही पैराथायरॉयड ग्लैंड में जो है पैराथार्मोन, वो फिर उल्टा होगा उसका फंक्शन. तो नेक्स्ट लेक्चर को आप मुझे बताइए, हमने कल पढ़ा है. कैल्सिटोनिन तो दो का फंक्शन करता ना. नहीं, कैल्सिटोनिन का एक ही मेन फंक्शन है क्या, ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करना, पर वो कम करना या ज़्यादा करना, यानी बोन में से ब्लड कैल्शियम को ब्लड में लाना या कैल्शियम में से ब्लड बोन में ब्लड ले जाना, ये आपको ध्यान में रखना है.
सर मग कमी झाला तर मग म्हणजे दोघं फंक्शन करेल ना सर तो जर कमी झाला तर बोन मधून तो हे करेल वो एक ही फंक्शन करेगा कैल्सिटोनिन और पैराथर्मोन उसका अपोजिट फंक्शन करेगा सपोज दैट मैं भी आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर एक कम करेगा तो दूसरा बढ़ाएगा यानी मेंटेन रखेगा अगर ज़्यादा बढ़ गया तो दूसरा काम करेगा कम करने वाला अब ज़्यादा कम क्या है वो कल आप मुझे बताइए ठीक है क्या डिस्कस हो चुका है ना सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभी एड्रेनल ग्लैंड थाइमस ग्लैंड और पैनक्रियास ये हम सोचते करने का थाइमस ग्लैंड कहाँ पर है हमने बॉडी में अलग अलग ग्लैंड देखे हैं एंडोक्राइन है एक्सोक्राइन है उसमें थाइमस ग्लैंड कहाँ पे है तो स्टर्नम के पीछे दिस इज अवर स्टर्नम बराबर है स्टर्नम के पीछे और हर्ट का जो एओर्टा है उसके वेंट्रल साइड एओर्टा के आगे स्टर्नम के पीछे और हर्ट का जो एओर्टा है एओर्टा यानी क्या एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी यानी पूरे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी है वो कौन है हर्ट का एओर्टा जहाँ से ब्लड हर्ट में से बाहर निकल रहा है तो एओर्टा के वेंट्रल साइड दिस इज गिवन thymus gland is present in between two lungs behind sternum and in front of aorta again repeating thymus gland is present in between lungs behind sternum and in front of aorta thymus gland ka importance kya hai thymus gland hi hamare body ki immunity maintain karne ke liye sabse important gland hai हमारे बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटीज होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है इसके बारे में हम हेल्थ एंड डिसीज में डिटेल में चर्चा करेंगे फिलहाल हम सिर्फ इतना ही ध्यान में रखेंगे कि थाइमस ग्लैंड जो है दैट थाइमस ग्लैंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एग्जैक्टली कैसे होती है तो हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं टी लिम्फोसाइट्स तो टी लिम्फोसाइट्स का डिफ्रेंशिएशन करके जो इम्यूनिटी बनेगी उसे हम बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उसका क्या एक्चुअली फंक्शन है हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी हमारा थाइमस ग्लैंड के बारे में जानना इतना ही जरूरी है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स पे काम करेगी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमें देगी उसी तरह से थाइमस ग्लैंड आल्सो हेल्प्स अस इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अब एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी बनती है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी ध्यान देना है अच्छी तरह से थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड जो है थाइमस ग्लैंड की पोजीशन कहाँ पर है बिहाइंड स्टर्नम और वेंट्रल साइड ऑफ क्या वेंट्रल टू एओर्टा की उसका लोकेशन है थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा हार्मोन इज कॉल्ड एज थाइमोसिन ये हार्मोन क्या करता है Differentiation of T lymphocytes. Differentiation of T lymphocytes से जो immunity बनेगी उसे बोलेंगे cell mediated immunity. और it also helps in promotion and production of antibodies. तो एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी बनती है उसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी तो दोनों इम्यूनिटी डेवलप करने में थाइमस ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है दिस इज ओवरऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है कि जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है क्यों क्योंकि थाइमस ग्लैंड का डिजनरेशन शुरू हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्लैंड गेट्स डीजनरेटेड इसलिए उसमें से जो निकलने वाले हार्मोन है उसका स्टैमिना या उसकी पोटेंसी कम हो जाती है तो अपने आप इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी बात समझ में आई ओल्ड पर्सन बात समझ रहे क्या ओल्ड पर्सन में क्या हो रहा है रिडक्शन इन
रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ थायमोसिन हार्मोन, किस वजह से? ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ ग्लैंड. दिस इज ओवरऑल अबाउट थायमस ग्लैंड. सो अगर आपको एनसीईआरटी फाइनल करना है और नीट ध्यान में रखना है, कितना ही ध्यान में रखेंगे, बिहाइंड स्टर्नम, वेंट्रल टू एओर्टा, सीक्रेट थायमोसिन हार्मोन, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ओल्ड पर्सन में थायमस ग्लैंड भी जनरेट होने की वजह से थायमोसिन हार्मोन कम सीक्रेट होगा, उसकी पोटेंसी भी कम हो जाएगी, इसलिए ओल्ड पर्सन की इम्यूनिटी कम होती है. बात समझ गए, इतना क्लियर हो गया. दिस इज ओवरऑल अबाउट थायमस ग्लैंड. अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड की लोकेशन ऑलरेडी आपको पता है, किडनी के ऊपर होती है, इंटीरियर को किडनी, जस्ट लाइक कैप ऑफ किडनी, बराबर है क्या? अभी एड्रेनल ग्लैंड जो है, अगर उसका हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें इस तरह से उसके दो पार्ट दिखेंगे, एक एक्सटर्नल पार्ट दिखेगा और एक इंटरनल पार्ट दिखेगा. एक्सटर्नल और इंटरनल बोलने का मतलब ऐसा है कि इंटरनल जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनल मेड्यूला, एक्सटर्नल पार्ट इज कॉल्ड एज एड्रेनल कॉर्टेक्स. बोथ आर इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोन्स एंड वेरियस प्रोसेसेस ऑफ बॉडी. एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट है, द मिडल वन पार्ट इज कॉल्ड एज और इनसाइड पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला एंड आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. ध्यान में रखना. अब जब हम एड्रेनल ग्लैंड का सोच रहे हैं तो एड्रेनल ग्लैंड हमारे बॉडी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेड्यूला, अब कॉर्टेक्स जो है वहां से कुछ हार्मोन बाहर आएंगे और मेड्यूला से भी कुछ हार्मोन बाहर आएंगे, पर उसके पहले कुछ टर्म्स ध्यान में रखते हैं. क्रोमैफिन सेल्स यानी क्या, ये पढ़ने से पहले क्रोमैफिन सेल्स, क्रोमैफिन सेल्स, Have you heard about this cells somewhere? Chromaffin cells. Chromaffin cells क्या है? Is the type of cell that make neurohormones. A type of cell that make neurohormones. Neurohormones का मतलब है कि जो nerve cells hormones बनाते हैं, chemicals produced by nerve cells. Chromaffin cells का क्या है meaning? A type of cell that make neurohormones. It means the chemical produced by nerve cells. Clear हो रहा है? And stored somewhere. This is called as chromaffin cell, ध्यान में रखना है. और जब जरूरत है तब वो ब्लड में रिलीज करेंगे वेरियस प्रोसेसेस के लिए. अब क्रोमैफिन सेल्स जो है वो एड्रिनल ग्लैंड में क्या कर रहे हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बना रहे हैं क्रोमैफिन सेल्स कॉल्ड एज इपीनेफ्रिन, इपीनेफ्रिन और नेफ्राइन एंड नॉर इपीनेफ्राइन. क्रोमैफिन सेल्स produces two main hormones, epinephrine and norepinephrine. Epinephrine का मतलब है adrenaline. Adrenaline. और इसका मतलब है noradrenaline. Chromaffin cell, a type of cell that make neurohormones, that is chemical produced by nerve cells and stored somewhere. इपिनेफ्रिन और नॉरइपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड में क्रोमैफिन सेल बनाते हैं. सो एड्रेनल ग्लैंड में क्या है, क्रोमैफिन सेल है जो ये दो हार्मोन बनाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन. जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं
या जब हम कुछ एक्साइटमेंट में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, चाहे वो अच्छा स्ट्रेस हो बुरा स्ट्रेस हो, किसी भी तरह के स्ट्रेस में ये दोनों हार्मोन काम करते हैं, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ये ध्यान रखना। समझ रहे क्या टॉपिक? अब ये जो क्रोमैफिन सेल्स है, इससे ये जो दो हार्मोन्स निकलते हैं, दीज आर एक्चुअली कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस दीज आर इमरजेंसी हार्मोन्स, दीज आर ऑल्सो स्ट्रेस हार्मोन्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस। Adrenaline and noradrenaline also called as emergency hormones. Emergency hormones are called as fight and flight hormones. Stress management में ये दोनों hormone हमेशा काम करेंगे, जब भी body में stress है। तो ये word clear हो गया, chromatin cell term clear हो गए। ये क्या है? टाइप ऑफ सेल दैट मेक न्यूरोहार्मोन्स। न्यूरोहार्मोन्स बनाने वाली यानी नर्व सेल है जो केमिकल प्रोड्यूस कर रही है। कौन से बना रही है? इधर एड्रेनल ग्लैंड में इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इमरजेंसी हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आएगी। क्लियर हो गया कि टर्म? यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से आपको परेशानी नहीं है। और एक टर्म समझते हैं, ग्लूकियानियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये दोनों तीनों टर्म जो है ये अभी आने वाले एक्सप्लेनेशन में काम आएंगे। ग्लूकियानियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, दोनों अलग अलग टर्म है। ग्लूकियानियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लूकियानियोजेनेसिस क्या है? ये सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स। जैसे हम हमारे बॉडी में खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उससे एनर्जी बनेगी, नॉर्मल ग्लूकोज बनने की प्रोसेस होगी जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ी है। बराबर है क्या? हम जो खाना खा रहे हैं उससे ग्लूकोज बनेगा, तो एक नॉर्मल प्रोसेस होगी। पर ऐसा मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में हमने खाना नहीं खाया है, या तो खाना नहीं खाया है, खाना नहीं खाया है तो फिर ग्लूकोज आएगा कहाँ से? तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, जैसे फैट्स है, प्रोटीन्स है, उनका ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाना, दैट इज ग्लूकियानियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर जो है, यानी बाद में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करने वाले हैं, हमने रेस्पिरेशन में देखा है फैट्स प्रोटीन्स का फंक्शन पूरा, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाना, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकियानियोजेनेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकियानियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। अब ऐसा नहीं कि हमने खाना नहीं खाया उसी वक्त ये प्रोसेस होगी। सपोज दैट हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करते वक्त हमारे बॉडी में जो हमने नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट खाया है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हो सकता है उससे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जब उससे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस वक्त भी क्या होगा? ग्लूकियानियोजेनेसिस होगा, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनेगा। क्लियर हो गया क्या? सो ग्लूकियानियोजेनेसिस ध्यान में रखना है, सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। प्रोवाइड ग्लूकोज व्हेन डायटरी इनटेक इज इनसफिशिएंट, डायटरी इनटेक इज इनसफिशिएंट और बॉडी नीड्स मोर एनर्जी। क्लियर हुआ? ग्लूकियानियोजेनेसिस, ये दोनों वर्ड एनसीईआरटी में दिए हैं, तो उसका मीनिंग नहीं दिया है इसलिए मैंने समझाया। क्लियर हो गया क्या? अब अगला क्या है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये हो गया क्लियर? नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का बनना, ग्लूकियानियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? इट इज द पाथवे विच ब्रेक डाउन ग्लूकोज।
ये भी ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का पाथवे है। देखो लाइसिस है कि नहीं, यहाँ पे लाइसिस है इसका मतलब ब्रेक डाउन है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजेन को ब्रेक डाउन करेंगे। ग्लाइकोजेन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेन है ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये कहाँ पे स्टोर होता है एनीबॉडी? ये पीछे कहीं तो भी एक्सप्लेनेशन में गया हुआ है। ग्लाइकोजेन ये हमारे बॉडी में होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं जब एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो एक ग्लाइकोजेन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। तो दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो कहाँ पे होता है ग्लाइकोजन? ये एग्जाम में आया और एनसीईआरटी में ये पीछे गया है कई चैप्टर्स में। यस, ग्लाइकोजेन इज स्टोर्ड इन लीवर इन हेपेटोसाइट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन। ग्लाइकोजेन इज स्टोर्ड इन लीवर हेपेटोसाइट्स। लीवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, पता है ना? एज वेल एज एडिपोसाइट्स में भी होता है। एडिपोस टिश्यू के जो एडिपोसाइट्स होते हैं उसमें भी होता है, पर मोस्टली ग्लाइकोजेन। अगर पूछा गया सवाल तो आंसर क्या है? तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या है कि ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनेगा जब बॉडी नीड्स मोर एनर्जी। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पे भी ग्लूकोज बनेगा, पर वो कैसे बनेगा? ग्लाइकोजेन को ब्रेक करके बनेगा, इसलिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्लियर? विके टर्म हमने तीन नए टर्म देखे। प्रोमेफिन सेल देखा, न्यूरो हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स है, दो हार्मोन मेनली बना रहा है एड्रेनल ग्लैंड में, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्लियर हो गया क्या? दूसरी टर्म ग्लूकानियोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज अ इनसफिशिएंट डाइट मेनली। और यहाँ पे जब बॉडी नीड्स मोर एनर्जी उस वक्त ये पर्टिकुलरली वर्क करेगा, ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज बनना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्लियर हो गया क्या? ग्लाइकोजेन के बारे में अगर हम पढ़े तो क्या है? इट इज स्टोर्ड इन द लिवर, इट इज स्टोर्ड फ्रॉम ऑफ एनर्जी व्हेन बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, सर्टन प्रोटीन्स ब्रेक्स ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज। क्लियर हो गया? टर्म्स क्लियर हो गए, तब हम आगे पढ़ सकते हैं। अब एड्रेनल ग्लैंड जो है कहां पर है? हमें ऑलरेडी पता है ये किडनी, बराबर है ना? ये क्या है? किडनी का यूरेटर, ठीक है। अब ये किडनी के ऊपर एक कैप है, दिस इज एड्रेनल ग्लैंड। बात समझ में आ गई? दोनों किडनी के ऊपर कैप है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट है, एड्रेनल मेडुला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स ये 80-90% फंक्शनल होता है मेनली, और मेडुला 10-20% होता है। अब मेडुला और कॉर्टेक्स के ओरिजिन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि एड्रेनल मेडुला ओरिजिन में कैसा है? तो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एंड एड्रेनल कॉर्ट मैंने मेडुला के बारे में बताया, एड्रेनल मेडुला इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, एड्रेनल मेडुला जो है वो किससे बना हुआ होता है? क्रोमैफिन सेल्स। तो क्रोमैफिन सेल के फंक्शन आ गए फिर उसमें, क्रोमैफिन सेल से बने, इसका मतलब फिर वो दो हार्मोन बनाएंगे कैटेकोलामाइंस, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन, इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन, इमरजेंसी हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। अब इनके फंक्शन क्या क्या है? प्यूपिलरी प्यूपिल का डायलेशन, प्यूपिल का डायलेशन बढ़ाएगा, समझ रहे हैं? हार्ट बीट बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा और क्या कम करेगा? तो इसमें सब कुछ बढ़ाना ही है, सिर्फ दो चीज़ें कम करना है, इतना ध्यान में रखेंगे। प्यूपिलरी डायलेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, अलर्टनेस बढ़ाएगा, पाइलो इरेक्शंस हमारे हेयर्स खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ हर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ेगा, स्वेटिंग बढ़ेगा, परस्पायरेशन बढ़ेगा, स्टिम्युलेट। अब इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अब ये सब जब बढ़ेगा, जब ये बढ़ना शुरू होगा यानी जब ये हार्मोन सेक्शन में आएंगे
तो दो चीजें कम होने वाली है, तो सलाइवेशन कमी होगा और कम होगा और पेरिस्टाल्सिस ऑफ एलिमेंट्री कैनल कम होगा। सलाइवेशन कम होगा और पेरिस्टाल्सिस ऑफ एलिमेंट्री कैनल कम होगा यानी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेट डाउन हो जाएंगे। ये कब होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम डांस करते हैं, जब एक्साइटमेंट में होते हैं तो हमें भूख नहीं लगती ना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन वर्क करते हैं उस वक्त। ये क्या करते हैं? सलाइवा और एलिमेंट्री कैनल का जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर देते हैं? डाउन कर देते हैं और बाकी सारे रेट बढ़ा देते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगा, और जब बाकी सारे रेट बढ़ेंगे तो उसको भी तो एनर्जी लगेगी। अब खाया तो कुछ नहीं है फिर भी एनर्जी लग रही है, तो कहाँ से आएगी? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा? ग्लूकैरियोजेनेसिस भी करेगा, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाएगा, उससे भी एनर्जी मिलाएगा, और जो लीवर में ग्लाइकोजेन स्टोर है उसको भी ब्रेक करके एनर्जी मिलाएगा। बात समझ रहे हैं क्या? दोनों चीजें काम आएंगी। जब हम एक्साइटमेंट में हैं, डांस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी, उस वक्त सारे रेट बढ़ेंगे एक्सेप्ट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेट। भूख तब मर जाएगी, पर भूख अगर नहीं है तो एनर्जी तो बॉडी को लग रही है, वो कहाँ से आएगी? ग्लूकैरियोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करके ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज मिलाने का और उससे एनर्जी मिलाने का। ये क्लियर हो गया क्या? अरे समझे क्या? सो स्टिम्यूलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ऑल्सो स्टिम्यूलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, यानी ग्लूकैरियोजेनेसिस। क्लियर हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा मेड्यूलरी पार्ट। सो एड्रेनल ग्लैंड का मेड्यूला, क्रोमेफिन सेल्स, न्यूरो हार्मोन्स, बराबर है, सिक्रेटेड बाय नर्व सेल्स, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन जो मेड्यूला बनाता है, इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, और सारे फंक्शन, सारे रेट बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ये क्लियर हो गया? अब कॉर्टेक्स की बात। अब कॉर्टेक्स जो है दैट इज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन, कॉर्टेक्स इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और मेडुला क्या है? एक्टोडर्मल। तो इसका ड्यूअल ओरिजिन है एड्रेनल ग्लैंड का, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये इसका जो कॉर्टेक्स है उसका इनर लेयर, थ्री लेयर होता है, इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर। सो हम इनर से आउटर की तरफ जाएंगे। कॉर्टेक्स जो है इसका जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज झोना रेटिक्यूलरिस, रेटिक्यूलरिस एनसीईआरटी में दिया है नंबर, झोना रेटिक्यूलरिस। जो मिडल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज झोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा, एंड आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज झोना ग्लोमेरुलोसा, झोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। एड्रेनल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, इनसाइड लेयर, इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज झोना रेटिकुलरिस, मिडल वन इज कॉल्ड एज झोना फैसिकुलेटा, एंड आउटर वन इज कॉल्ड एज झोना ग्लोमेरुलोसा। अब हम एक एक इसका पढ़ेंगे पॉइंट। झोना रेटिकुलरिस जो ये क्या सीक्रेट करता है? ये सेक्स कॉर्टिकॉइड सीक्रेट करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये कॉर्टिकॉइड्स क्या चीज है? कॉर्टेक्स से जो हार्मोन बने हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल्स, कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल्स, पर हम यहाँ पे कॉर्टिसोल्स वर्ड सिर्फ झोना फैसिकुलेटा ने जो बनाया है उसके लिए ज्यादा यूज करेंगे। पर अगर हम देखें तो कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन क्या? कॉर्टिकॉइड्स। तो झोना रेटिकुलरिस ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बनाते हैं। अब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है क्या? तो हमने पढ़ा है कि मेल और फीमेल में एंड्रोजेन एंड एस्ट्रोजन, यानी टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरॉन इज अ मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन इज अ फीमेलाइन हार्मोन, फीमेल हार्मोन। अब ये टेस्टोस्टेरॉन बनता है टेस्टिस में, एस्ट्रोजन बनता है ओवरी में, पर ये जो बनते हैं दोनों टेस्टिस ओवरी में, इनके जो प्रिकर्सर है यानी ये बनने से पहले जो मॉलिक्यूल्स लगते हैं, बात समझ रहे हैं? टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है
एस्ट्रोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो एक्चुअली बनता है यहाँ झोना रेटिकुलर्स। सो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आर द प्रिकर्सर ऑफ एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। हम क्या होता है यहाँ से वो ब्लड में मिक्स होके जाएंगे टेस्टिस में, ओवरीज में, और वहां पे फॉलिकुलर सेल को मदद करेंगे एस्ट्रोजन सीक्रेट करने में और टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल में। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? क्या देख रहे हैं हम? कॉर्टेक्स के हार्मोन देख रहे हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स में हम क्या देख रहे हैं? तीन पार्ट है, इनर पार्ट, मिडल पार्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट। इनर लेयर इज झोना रेटिकुलरिस, मिडल पार्ट झोना फैसिकुलेटा एंड आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज झोना ग्लोमेरुलोसा। उसमें झोना रेटिकुलरिस जो है वो क्या बना रहा है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो सेक्स हार्मोन सिक्रेट करने में मदद करने वाला है या रॉ मटेरियल के हिसाब से काम करेगा। जैसे सिक्रेट सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। इसकी क्या क्या फंक्शन है? इसका मतलब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में भी काम आ रहा है ना, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जितना चाहिए उतना नहीं प्रोड्यूस हुआ तो दैट मे लीड टू स्टेरिलिटी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल के प्रॉपर डेवलप ही नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोट हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर्स, सेक्स ऑर्गन के वहां पे जो हेयर्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिक हेयर्स, तो वो ग्रो होना भी जरूरी है। फेशियल हेयर एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में जो फेशियल हेयर्स है ये प्राइमरी है। फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ब्रीस्ट इन फीमेल, हाई पिच वॉइस मेल में, लो पिच वॉइस, इस तरह से वॉइस का जो पिच है मेल का वॉइस पिच लो होता है और फीमेल का वॉइस पिच हाई होता है। ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन से रिलेटेड है इनडायरेक्टली वो रिलेटेड टू सेक्स कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय झोना रेटिकुलरिस ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल। ये क्लियर हो गया। अब झोना फैसिकुलेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झोना फैसिकुलेटा क्या सिक्रेट करता है? इट सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। बात समझ रहे हैं क्या? झोना रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हो गए, झोना फैसिकुलेटा क्या सिक्रेट कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पर्टिकुलरली कॉल्ड एज कॉर्टिसोल्स। बात समझ रहे हैं? अब ये जो कॉर्टिसोल्स है इनके क्या क्या फंक्शन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। यानी अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज आया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उससे एनर्जी बनाना, ग्लूकोज नहीं है तो उस केस में भी एनर्जी बनाना, जैसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, दोनों वर्ड जरा ध्यान में रखें। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोजेन का लाइसिस। अब देखो इसके क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑलरेडी हमें समझ गया है। एक कॉर्टिसोल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या क्या है? इट इंक्रीजेस ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सॉरी नॉट ग्लाइको, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी कार्बोहाइड्रेट बना देगा, एक पहला फंक्शन। दूसरा, इट आल्सो प्रमोट्स लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, ओबीबीएस है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल सच एज लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनका ब्रेकडाउन करके तो ग्लूकोज बनाएगा ना वो, तो ये हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। भाई समझ रहे हैं? नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स सच एज लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनको ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाना, तो ये फंक्शन भी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज और क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन एंड सप्रेस इम्यून सिस्टम। एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन, हमारे बॉडी में कुछ कुछ जगह इंफ्लेमेशन हो सकता है, अंदर या बाहर कुछ लग गया है तो इंफ्लेमेशन है, सूजा हुआ, तो समथिंग स्वेलिंग आई है तो उसको भी कम करने का काम यह हार्मोन करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन, और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का, अगर हाइपर एक्टिव हो गई इम्यूनिटी तो उसको भी शांत करने का एक काम करेगा। अगला, ये आल्सो प्रमोट्स आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन में भी प्रमोशन करता है, हेल्प करेगा। आगे
maintain cardiovascular system and kidney function also. Glucocorticoids, क्योंकि हर जगह कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी तो लगेगी ना, तो हर जगह ये फंक्शन आएगा ही आएगा. आगे क्या है, इनहिबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड. इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड. सेल्स को जो अमाइनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन चाहिए, जो अपटेक लेने वाले हैं ब्लड में से, वो उसको क्या करेगा, कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा. बहुत ज़्यादा बाहर का सोचने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में इतना दिया है भाई, हमें ध्यान में रखना है. क्या ध्यान में रखना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल्स हैं, क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, ग्लूकैरियोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस हेल्प्स इन आरबीसी प्रोडक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन मेंटेन करने में भी मदद करते हैं. एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन एक्ट एज एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन एंड सप्रेसेस इम्यून सिस्टम. ये पॉइंट आप ध्यान में रखें, क्लियर हो गया. अब तो अगला है झोना ग्लोमेरुलोसा. इसमें से क्या बनेगा, तो इसमें से बनेगा जो हमारे बॉडी में ऐसा केमिकल बनेगा जो हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का काम करेगा. देखो कार्बोहाइड्रेट बैलेंसिंग का हो गया, अब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड सोडियम पोटेशियम वगैरह, बराबर कि नहीं, तो आयन्स मेंटेन करना. तो हमारे बॉडी में वाटर एंड आयन का मेंटेनेंस करना एंड मिनरल्स का मेंटेनेंस करना, दैट्स व्हाई द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय झोना ग्लोमेरुलोसा आर कॉल्ड एज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. और ये मेन हार्मोन जो है, सबसे मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड कौन है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ये मिनरल कॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी का. स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी में, इट इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन. व्हाट इट डज, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने का मतलब ही है कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना, बात समझ में आई कि नहीं. सो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम एल्डोस्टेरोन का है, इसका मतलब डेफिनेटली ये किडनी पर काम करने वाला है, किडनी के रेनल ट्यूब पे काम करेगा. इंक्रीजेस रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इनटू द बॉडी फ्रॉम रेनल ट्यूब. रेनल ट्यूब में से जो जो मटेरियल आगे बढ़ रहा है उसमें से सोडियम फिर से बॉडी में रीएब्सॉर्ब करना और पोटेशियम उसमें डाल देना, बात समझ में आई कि नहीं. पर इतना डिफिकल्ट स्टेटमेंट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इट एक्ट ऑन द रेनल ट्यूब एंड हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. क्लियर हो गया क्या, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ध्यान में लेते हैं. इट इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड इन द बॉडी, एक्ट्स मेनली ऑन रेनल ट्यूब एंड स्टिमुलेट रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ के प्लस एंड फॉस्फेट आयन. यानी सोडियम और वाटर को बॉडी के अंदर ले लेने का और के प्लस और फॉस्फेट को बॉडी से यानी रेनल ट्यूब में डाल देने का, या उसमें से निकालना ही नहीं. देखो ध्यान दो, हमने देखा है रेनल ट्यूब, ये रेनल ट्यूब है और बाद में फिर ये यूरेटर में आ गया ऐसा मान लो. अब रेनल ट्यूब में जो पानी है उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, जो कुछ भी है, तो ये किस पे काम कर रहा है, एल्डोस्टेरोन रेनल ट्यूब पे काम कर रहा है, वहां से किसको निकाल रहा है, वो promotes reabsorption of sodium and water, बराबर है. और किसको जाने दे रहा है वो, पोटेशियम और फॉस्फेट को जाने दे रहा है, उसका एक्सक्रीशन होने दे रहा है. क्लियर हुआ क्या कि नहीं हुआ, इतना ही स्टेटमेंट अभी ध्यान में रखना है, बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे. सो स्टिम्युलेट रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ के प्लस एंड फॉस्फेट आयन. Aldosterone help in maintaining electrolyte of the body fluid. Body fluid का electrolyte है ना, osmotic pressure, osmotic volume. Aldosterone is also called as salt retaining hormone. Sodium ले रहा है. Salt retaining hormone. Clear हो गया? खत्म mineral को. This is overall about adrenaline. कुछ problem? फिर से एक बार revise करते हैं ध्यान. Thank you.
एड्रेनल ग्लैंड जो है, एड्रेनल ग्लैंड ये कहाँ पे है? प्रेजेंट अबव किडनी, बराबर है क्या? पेयर ऑफ ग्लैंड है, ये पेयर है, ध्यान में रखना, क्योंकि दो किडनी है तो दोनों पे एक एक ग्लैंड है, पेयर एड्रेनल हो गया। इसके दो पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। मेडुला कौन सा है? एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, और कॉर्टेक्स मेसोडर्मल ओरिजिन का है। मेडुला जो है वो बॉडी में उसमें है क्रोमैफिन सेल्स है, क्रोमैफिन सेल्स है, ये दो हार्मोन बना रहा है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, दीज आर टुगेदरली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस अमाइंस है, अमाइंस, कैटेकोलामाइंस आल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन, आल्सो कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। सारे रेट बढ़ा देगा, सलाइवेशन और एलिमेंट्री कैनल का पेरिस्टाल्सिस जो है उसको मूवमेंट क्या कर देगा, वो कम कर देगा। प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, प्रमोट्स ग्लूकोजेनोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाएगा, ग्लाइकोजेन जो लीवर में उसको ब्रेक करके ग्लूकोज बनाएगा और एनर्जी देगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स में तीन लेयर है, इनर लेयर जो है रेटिकुलरिस है, जोना रेटिकुलरिस, फैसिकुलेटा है, और तीसरा जो है आउटर साइड को ग्लोमेरुलोसा है, बराबर है। ग्लोमेरुलोसा जो है वो अल्डोस्टेरोन है, मिनरल कॉर्टिकॉइड बनाता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये बनाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ध्यान में रखना है, केमिकली दीज आर ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या बनाता है? इट मेक्स प्रिकर्सर ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन या एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। दिस प्रिकर्सर मिक्स इन ब्लड, अप्रोचेस टेस्टिस एंड ओवरीज एंड हेल्प फॉर्मेशन। ओके, इनके क्या फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर एट प्यूबर्टी, ये सारा इसका काम है। कॉर्टिसोल एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोजेनोजेनेसिस, सारा आ गया, बराबर है। इसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड में ऑस्मोटिक फ्लूइड ऑफ द ब्लड, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड मेंटेनेंस हो गया, वाटर सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट, उसमें भी वाटर एंड सोडियम यदि एब्सॉर्ब कर लेगा रेनल ट्यूब पे एक्ट होके और के प्लस और फॉस्फेट को एक्सक्रीशन करवाएगा। उसके बाद सोडियम एब्सॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड हमने देखा, थाइमस ग्लैंड में थाइमोसिन हार्मोन है, बराबर है क्या? थाइमोसिन हार्मोन जो है ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स करवाता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज करवाता है, उससे क्या मिलती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है। थाइमोसिन हार्मोन ये जो है थाइमस ग्लैंड से बनता है, थाइमस ग्लैंड स्टर्नम के पीछे एओर्टा के आगे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन T3 ट्राइआयडोथायरोनिन, टेट्राइडोथायरोनिन, टेट्राइडोथायरोनिन एंड T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। अगर लार्वा जो है फ्रॉग का पानी में, उसमें अगर थायरोक्सिन का सिक्रीशन बंद हो गया तो उसका कन्वर्शन फ्रॉग में नहीं होगा, इट विल रिमेन और फॉर एवर अप टू द डेथ एज लार्वा। थायरोक्सिन हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई परेशानी? उसके पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय इन्फंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन पार्ट है, पार्स डिस्टेलिस, इंटरमीडिया नर्वोसा, पार्स डिस्टेलिस एंड इंटरमीडिया आर द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज एडेनो हाइपोफाइसिस, एंड पार्स नर्वोसा
is the part of posterior situtory, that is the neurohypophysis. Pars nervosa contains neurons, neural cells from hypothalamus, neurosecretory cells. Hypothalamus prepare two hormones, antidiuretic hormone, also called as vasopressin. और दूसरा जो है वो ऑक्सीटोसिन है, बर्थ हार्मोन, या फिर ऑक्सीटोसिन इज बर्थ हार्मोन या फिर मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, बराबर है क्या? ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पार्ट है उसमें काफी हार्मोन्स बनते हैं, ग्रोथ हार्मोन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, बराबर है, एसटीएच। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन वर्क्स ऑन थायराइड ग्लैंड, बराबर है क्या? एलटीएच, लैक्टोट्रोपिन हार्मोन या मैमोट्रोपिन हार्मोन या ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन, जीटीएच, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड का मेंटेनेंस एसीटीएच करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कॉर्टेक्स के कॉर्टिकोट्रोपिक, कॉर्टिसोल्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, इनका कंट्रोलिंग एसीटीएच हार्मोन के थ्रू होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, यानी एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एसीटीएच ऑफ पिट्यूटरी। उसके बाद इंटरमीडिएट जो है पार्स इंटरमीडिया, इट सीक्रेट एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये सारा हो गया क्लियर? कुछ परेशानी?